भोपाल में हुई कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। होशंगाबाद जिले के बाबई में हिंदुस्तान कोका कोला लिमिटेड का 89,83,000 का ब्याज माफ कर दिया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शाहपुरा में निशुल्क जमीन आवंटित की गई है। नेस्कॉम एनजीओ के जरिए आईटी के क्षेत्र में प्रदेश में कई काम किए जाएंगे। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय चित्रकूट, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय में सरकार की तरफ से नामांकित सदस्य होंगे। राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर योजना एवं नीति आयोग रखा गया है। कर्मचारियों की समस्याओं पर फैसला लेने के लिए कर्मचारी आयोग का गठन होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदिवासी जिलों में सुशील मुख्यमंत्री योजना लागू की गई। 20 आदिवासी जिलों के 89 ब्लॉक्स में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किया गया। चिकित्सकों को अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। अति पिछड़े और पिछड़े जिलों में भत्ता दिया जाएगा। हिंदुस्तान कोका कोला ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्हें पूरी राशि अपनी जमीन की जमा कर दी थी और कुछ लेट होने की वजह से उन पर ब्याज 89,83,514 रुपए, इससे उनको जो फाइन था वो ब्याज का, उससे मुक्त कर दिया गया। ये पैसा उनको जमा नहीं करना पड़ेगा, जिससे ये कोका कोला की इंडस्ट्री वहाँ शीघ्र से शीघ्र आए और वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शाहपुरा में 0.188 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटित कर दी गई है। नेस्कॉम जो एक एनजीओ है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसका आईटी के क्षेत्र में 90% जो व्यवसाय होता है वो इस संस्था के माध्यम से होता है, और इससे एमओयू आईटी विभाग ने मध्यप्रदेश सरकार ने कमलनाथ जी के आदेश पर किया है। आदिवासी लड़कों लड़कियों की ये एकलव्य शालाएं हैं, जिसमें कुछ केंद्रीय सरकार की तरफ से उसमें एडेड होती हैं, और कई 77 जो हैं संस्थाएं ये मध्यप्रदेश की सरकार की तरफ से संचालित होती हैं। तो ये पूरी एक ही एक यूनिट बन के जो कि शासन का ही होगा, उसके अंतर्गत ही दोनों तरह की संस्थाएं काम करेगी, और उसका नाम रहेगा मध्यप्रदेश स्पेशल एंड रेजिडेंशियल एकेडमी सोसाइटी।